तो माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफिया से होंगे। वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। तो गाइज मैं ये था कि रिएक्शन नहीं देना चाहता था कल, जैसे मैंने बोल दिया था कि मेरी इस फैमिली से कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, कोई भी वीडियो नहीं बनेगी। लेकिन जो है ना, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई रिएक्शन की दुनिया में कूदना चाहिए, सुकून से आप लाइफ ना गुजारो। इसलिए अब वीडियो बंद हुई है तो आपका म्यूटी लगना शुरू हो गई है, और फिर कभी क्या एक्स जेड बहुत सारी बात है। ठीक है, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। ठीक है, बड़ी बड़ी संपत्तियां गेन की जा रही हैं, बहुत डॉलरों और पता नहीं क्या क्या मतलब बोला जा रहा है। तो जनाब जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, अब मेरी इन बातों का जवाब देना। तू अगर इतना नेक पाक है तो तूने तो अपने बड़े भाई का घर खराब कर दिया, जो तू मेरे ऊपर इतना तनकीद किए जा रहा है, जो तू इतना शरीफ बनता है। चल मैं तो बदमाश था शुरू से ही, ठीक है, तूने जितना मेरा साथ देना था दिया है, मुझे पता है तूने बहुत साथ दिया है। ठीक है, अगर तूने साथ दिया तो उसके बदले मैंने भी तेरा बहुत साथ दिया है। इतना तू अच्छा नहीं है, ठीक है, कि बगैर मतलब के तू किसी का साथ दे, समझ आई ना। जितना आपने साथ दिया मैंने भी तुम्हारा उतना साथ दिया है, मैंने भी तुम्हारे साथ हर जगह पे हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया है। तुम बोलते हो तुम्हें शादी का नहीं पता, कैसे नहीं पता, रात को हम लोग सारे बैठते थे रूम में, तो मैं नहीं पता कि शादी करने जा रहा था मैं, सारा कुछ झूठ किस चीज़ का बोलते हो तुम। तुम्हारी पूरी फैमिली को पता है, तुम्हारी वाइफ को पता है, सबको पता था कि मैं आया हूँ, मैं शादी करने जाऊँगा। फिर सबके सामने जाके मासूम बन जाते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो बहुत कम्युनिटी लगानी आती है ना तुझे, तो तुम कम्युनिटी लगाओ, कम्युनिटी लगाओ, लेकिन मुझे मेरी बातों का आप जवाब देना। ठीक है, मदनी का घर तुमने क्यों खराब किया था? तुमने जब हम नैना तुम्हारे घर, नैना इधर रहती थी, मदन साहब जो है ना उधर सौजर अब चले गए थे, तो नैना के साथ तुमने बदतमीजी करने की कोशिश क्यों की थी? गैरतमंद भाई, ठीक है, बड़ी गैरतमंद भाई हो ना तुम, क्यों बदतमीजी करने की कोशिश की थी? और नैना हमारे घर पे भाग के आ गई थी कि दिलबर भाई और ये फातिमा भी थे, सब लोग थे, ठीक है, ओके, ये हमारे साथ जो है ना, ये भाई ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ठीक है, तो उस दिन तो तू तो बड़ा गैरतमंद है, तुझे तो तू तो अपनी भाभी को नहीं छोड़ सका। ठीक है, अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करने पे तो उड़ता रहता है, और तू मेरे ऊपर गैरतमंद की बातें करता है। ठीक है, मैंने तो तेरी तरह हरकतें नहीं की है, जो हरकतें तू कर चुका है। ठीक है, अपनी भाभी के साथ, भाभी माँ की जगह पे होती है, ठीक है, तूने तो उसको उसके साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की, और तू नाम मेरा लेता है कि भाई मैं गिरा हुआ हूँ। भाई मैं गिरा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन तेरे जितना गिरा हुआ नहीं हूँ जो तेरी हरकतें हैं। ठीक है, तेरे जैसा गिरा हुआ नहीं हूँ, समझ आई ना। मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने ये हरकत की थी कि नहीं, और उस टाइम तुम्हारी बहनों ने भी गैरत दिखाई थी, तुम्हारे साथ बोलना चोलना छोड़ दिया था जब मैं घर पे आया था, तो तू दुम दबा के भाग गया था फिर। ठीक है, कितना टाइम तक तो मेरे पास सामने नहीं आता था, फिर उसके बाद ही हमारे जाके सुलह हुई थी, तो ये भी तुम्हारी अम्मी आई थी और उसके बाद जाके सुलह हुई थी। बड़ा तू गैरतमंद बनता है, गैरतमंद की बातें करता है, मैं चुप हूँ कि ठीक है ठीक है। फिर तुझे शेर शेरियाँ नहीं आ रहा, याद आ रही है सारा कुछ, जब एक चीज़ खत्म हो गई तो तू क्यों इसको बढ़ावा दे रहा है, मुझे ये बताना। तुझे सुकून नहीं है, गैरतमंद बनता है तो मेरी इन गैरतमंद बातों का जवाब दे फिर। इतना तू गैरतमंद है ना, जवाब दे के तू क्यों बदतमीजी कर रहा था अपनी भाभी के साथ, जो तेरी माँ के समान है। ठीक है, भाभी बड़ी भाभी तो माँ की जगह पे होती है ना। ठीक है, तुमने ही अपने भाई का घर पहला खराब किया है, तुमने ही पहला घर अपने भाई का खराब किया है। तुम तो इतना गिरे हुए हो कि अपनी भाभी तक को भी नहीं छोड़ा, और तुम मेरे ऊपर तनकीद करते हो कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं। ठीक है, बोलने से पहले सोच लिया कर। वो बोलते हैं कि जिसका खुद का गिरेबान साफ हो ना, वो दूसरे का जाके गिरेबान पकड़े। जब तू तो खुद ही धुला हुआ नहीं है तो मेरे ऊपर किस चीज की तनकीदें करता है, कम्यूटियां लगाता है, तो मुझे ये बता पहले बेटा, खुद को साफ कर। ठीक है, खुद को साफ कर। मैंने बोला था ना, तेरी बहन जो भी बात बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता है, तेरे साथ मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और तू ये बोल रहा है कि ना मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। मुझे तो एक चीज के बता, जब तेरी बहन लाइव ऑन द स्पॉट बैठ के धमकियां दे रही है कि मैं क्या कहते हैं, सनिया लोगों की फैमिली के साथ ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, ये कर दूंगी, अगर दिलबर को कुछ हुआ तो मैं इनकी नस्लें तबाह कर दूंगी, ठीक है, तुम लोगों मतलब कुछ भी धमकियां देते रहो, और इधर से अगर हम थोड़ी सी बात कर दें तो वो जो है ना, तुम लोग मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मतलब हर तरीके से तुम लोग शातिर बने हुए हो यार। नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोगों को इज्जत ही रास ही नहीं है कि तुम लोग इज्जत से रहने दो।
मुझे इन बातों का जवाब कंप्यूटर लगा के लाजमी देना कि ये जो तू बेगैरती कर रहा था कितना अरसा मेरे सामने नहीं आया था, ठीक है, इस बेगैरती का तो जवाब देना ना, तू इतना गैरतमंद बनता है, ये तो तेरी वाइफ को भी पता है, अच्छे से पता है तेरी वाइफ को, ठीक है, अगर यहाँ पे मदन करता तो वहां तो तू उसका खून कर देता, उसकी जान लेने पे आ जाता, ठीक है, ये तो बेचारा वो मदीने था, उसको कोई टके का नहीं पता था, ठीक है, अब जाके जो है ना वो बेचारे क्या कहते हैं, अब तुम लोगों के साथ उनकी बनती नहीं है, कभी वो अलग होते हैं, कभी लड़ाई चलती रहती हैं, ठीक है ना, बंदा बात वो करे जो खुद साफ हो, पहले पहले तो अपने आप को बेटा जी साफ कर लो, फिर मेरे ऊपर तनकीद करना, ठीक है, गैरतमंद गैरतमंद, हम तो बेगैरत हैं भाई, हम तो गिरे हुए हैं, तू तो गैरतमंद है ना, तू तो गैरतमंद है ना, तो पहले अपनी बेगैरतियाँ सुधार ले, ठीक है, पहले बेगैरतियाँ सुधार ले कि तू कि तूने क्या क्या हरकतें की हुई हैं, फिर तू मेरे ऊपर बात कर, ठीक है ना, बड़ा आया तू मेरे ऊपर बात करने वाला, शेर शेरनिया पता नहीं क्या से क्या तू बोल रहा था, ठीक है, बड़े तेरे तेरे हाथ तो बहुत चलते हैं, जबान भी बहुत चलती है, मुझे पता है हर चीज़ बहुत चलती है, मुझे पता है, लेकिन रिश्तों का लिहाज कुछ लिमिट तक होता है, ठीक है, आपके बाबा ने भी तो दूसरी शादी की है, उधर तो बड़ी खुशी से तुम लोग शादियां करवा रहे थे, ठीक है, अच्छा आप लोग जो भी काम करो वो ठीक है, कोई दूसरा करे तो वो गलत हो गया, तुम्हारा खुद का दूसरा निकाह है, मदनी का भी अभी दूसरा निकाह है, ठीक है, तुम मेरे पर बात करते हो, बंदा बात वो करे जो खुद पहले क्लियर हो, ठीक है, खुद तू क्लियर नहीं है, आ गया मूठा पे मेरे पर बातें करने वाला, मैं चुप किए जा रहा हूँ कि यार ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन नहीं, इज्जत ही रास नहीं है, बिल्कुल इज्जत रास नहीं है, ठीक है ना, उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, फिर ना मुझे मजबूर करो और ना खुद मजबूर हो, अपनी ब्लॉगिंग करो, मैं भी अपनी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो नसीब के होते हैं वो मिलते रहते हैं, लेकिन किसी को इतना जलील ना करो कि उसकी जो है ना खामोशी फिर जो है टूट जाए, उसके बाद फिर जो है ना फिर कोई कुछ नहीं रहना, आपका जो प्लान है मुझे अच्छे से पता है, अच्छे से पता है कि तेरा क्या प्लान जा रहा है, तू क्या चाहता है वो भी मुझे अच्छे से पता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं बस चुप करके सब्र करके बैठा हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे मेरी बच्चियाँ हैं, ठीक है ना, मेरी बच्चियाँ हैं, मैं जितना भी गिरा हुआ हूँ जो भी हूँ, लेकिन मुझे मेरी औलाद प्यारी है, ठीक है ना, मैं जितना भी गिरा हूँ, लेकिन तेरी तरह बेगैरत नहीं हूँ जो अपनी भाभी प्यार डाल दे, ठीक है ना, इस बात पे सारी फैमिली गवाह है, सारे मोहल्ले को पता है, अब ये नहीं बोलना कि डीडी मेरे ऊपर झूठ बोल के गया है, इस चीज़ का सबको पता है, सबको पता है, ठीक है ना, उस दिन तो दुम दमा के जो भाग गया था ना शाह वाली पुल पर, रहता ना घर पे, मैं तेरी सही वाली फिर बताता तुझे मैं, ठीक है, फिर तो तेरे से इधर नहीं आ जाता था, तो गैरतमंद बनता है यार, तो खुदा के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ना छेड़ो, ना छेड़ो, खुदा के लिए, खुदा के लिए, अब आपकी बहन साहबा ने बोल दिया है कि जी मेरे पास प्रूफ है, मैं ये लगाऊंगी वो करूंगी फलान तलान, यार एक दफ़ा लगा दो जान छुड़वाओ, रोज़ की धमकी किस बात की देते हो, लगा दो एक दफ़ा जान छुड़वाओ, बात ही ख़त्म, रोज़ का रोना पीटना आके लगाते हो, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो इंसाफ बीबी की तरह वो भी ऐसे करती है, ठीक है, जिस दिन देखती है कुछ नहीं है तो फिर आज ये प्रूफ लगाने लगी हूँ, मैं आज ये प्रूफ लगाने लगी हूँ, जब तुम लोग प्रूफ लगाओगे तो प्रूफ मैं भी लगाऊंगा, ठीक है, मैं भी चुप हूँ तो मुझे चुप रहने दें, ठीक है, फिर जब मैं बिगड़ूंगा तो फिर मैं सही वाला बिगड़ूंगा, फिर मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, तू बोलता है ना तू किसी का लिहाज नहीं करता, तो मैं भी लिहाज नहीं करूंगा, बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगा, ठीक है ना, बात वही, मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि दोनों की फैमिलियाँ एक ही हैं, खून एक ही है, ठीक है, चाहे तू बात कर या मैं बात करूँ, बदनामी दोनों तरफ होनी है, ठीक है, बदनामी दोनों घर घर एक ही है, खून एक ही है, बदनामी तेरी भी और मेरी भी सेम होनी है, ठीक है, कोई दूध का धुला नहीं आज के दौर में, कोई भी दूध का धुला नहीं है, ठीक है ना, या तो बोले ना कि कोई एक आध दूध का धुला है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, तो इसलिए ना बंदा बात भी वो बंदा तो बात करता हुआ यार अच्छा लगता है, जो चलो खुद का क्लियर हो सारा कुछ, फिर वो बात करते हुए भी अच्छा लगता है, ठीक है, तू तो मतलब मुझे क्या क्या मुझे तेरे बारे में नहीं पता, अगर तुझे मेरे बारे में इतना पता तो मुझे तेरे बारे में नहीं पता कि तू क्या क्या करता रहा, क्या क्या करता रहा, क्या क्या गुल खिलाए और कहाँ कहाँ खिलाए, छोड़ दे यार फिर, ठीक है, छोड़ दो, सही है ना, सुकून से रहो, अपनी लाइफ भी सुकून से गुजारो, मुझे भी गुजारने दो, समझ आई ना, फिर बहुत सारे काम खराब हो जाने हैं, बहुत सारे, लिहाजा इसको थोड़ा, मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, ठीक है, वो टून में ना लाओ कि जिस टून में फिर काम बहुत खराब हो, ठीक है ना,
बहुत ख़राब हो। तो गाइज अगर ये छोटा सा एक आपको रिएक्शन समझ आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बहरहाल मेरा मुद्दा वही है कि भाई साहब मुझे ना इस चीज़ का जो है ना जवाब लाजमी देना कि तू इतना गैरतमंद है ना, गैरतमंद है तो मुझे इस चीज़ का जवाब देना कि भाभी पर कौन हाथ डालता है। ठीक है, तेरी बेगैरती तो यहाँ से झलक रही है, इतना तो गैरतमंद है तो पहले मुझे इस चीज़ का जवाब दे। फिर मेरे से भाग क्यों गया था, क्यों नहीं आता था घर के सामने, फिर दम दबा के क्यों भागा था। ठीक है ना, बस कर दो ये चीज़ें, बस कर दो, बस कर दो, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, बस कर दो। फिर मुझे नहीं बोलना, मैं आपको बोल रहा हूँ, फिर मुझे नहीं बोलना, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना, खली वली हो जाएगा फिर। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।